नमस्कार पिलाने आशा करूँ आपण मैंने समस्ते बहुत भलरे थे पाने आज आम पढ़ा अष्टम श्रेणी साहित्य बहर एक नुआ विषय जार नाम हूँ उद्बोधन उद्बोधन कविताटी कवि होती स्वभाव कवि गंगाधर मेहर ताधि मिली स्वभाव कवि आधुनिक जुगर ओडिया साहित्य जुगर कवि लेखक मानर आमर स्वभाव कवि गंगाधर मेहर अन्यतम अटंती जहाँ जन्म 1861 मसीह होता एवं मृत्यु 1924 मसीह होता एवं से क्यों ग्राम जन्मग्रहण करते बरगढ़ जिलार बरपाली ठारे जन्मग्रहण करते रचना गुड़िक मध्य तपस्विनी महिमा इंदुमती इत्यादि अन्यतम अटे एवं से रचना करर्घ्यथा कवितर आमर यही उद्बोधन कविताटी अणा जा तो कहीपर पाने उद्बोधन कविताटे कवि कौन दर्शाई आजिकार अवस्था को देख माने वर्तमान अवस्था को देखिकी ताहार उन्नति करने समस्त देशवासी मानक मध्य जागरण सृष्टि करने कौन देखो परामर्श दे तो ये कविताटे आम पढ़वा कवि कौन कौन जनईं तो पाने आरंभ करवा नव रवि करे फुटोई कमल उत्फुल्ल उठती विहंगम दल आहार विहार पाई तेजीपुर उड़ी जाती के दूर नव नव मान कौन पाने नव मान नुआ रवि करे रवि कर मान सूर्य किरण नुआ आउ रवि किर मान सूर्य किरण फुटोई कमल मान जो समय रे सूर्य उदय हूँ माने प्रथम थर पर जिते सूर्य किरण आम धरापृष्ठ से पड़े से ही समय कौन हुए कमल कमल मान कौन पाने कमल मान हूँ तुम पद्म पद्म फुटे उठे बुझिपाल पाने जो समय रे सूर्य किरण आम धरापृष्ठ से पड़े प्रथम थर पर मानने नुआकर से ही समय कौन हुए पद्म तुम फुटे एवं उत्फुल्ल उठती विहंग मदल उत्फुल्ल माने आनंद रे विहंग माने पक्षी पक्षी माने आनंदर सहित उड़ी बुलंती बुझिपाल पाने सूर्य किरण पृथ्वी पृष्ठ पड़वा मात्र के कौन हुए पद्म फुटे विहंग माने पक्षी माने चारिआड़े कौन आनंदर सहित उड़ी बुलंती एवं आहार विहार पाई तेजीपुर आहार माने खाद्य तेजी माने त्याग पुर माने बासगृह तुम्हें मैंने तो जान पाने दिन आसवा आगर रात्रि होता है रात्रि समस्त कौन कहते निज निज घर को जो कर्म क्षेत्र को जाती फेरी आसी सारे विश्राम पुणी जिते बड़े दिन आरंभ हुए से कौन हमें जीए जो कर्म क्षेत्र को जीवा कथा निज घर को त्याग करपरी भाव पक्षी मैंने बड़े सूर्य किरण धरापृष्ठ से पड़ी माने जो समय सका से ही समय कौन कर पक्षी मैंने निज निज घर को त्याग करी आहार पाई माने खाद्य पाई से बहुत दूर को उड़ी जाती कौन कहते कवि देख उड़ी जाते के दूर माने कौन सी दूर कौटी जा अटकी से सब आम किसी जाणी के दूर जाए उड़ी जा केवल कौपाई निजर खाद्य को ग्रहण करने निज खाद्यर सन्धान पक्षी मैंने घर त्याग कर बहुत दूर को उड़ी जाती बुझिपार पाने मोहमाछी मधु संचय लालसे बहु दूर बन पर्वत बिलासे बल थाओ केही निश्चय मौन थाई न करती जीवन न्यून मोहमाछी मधु संचय लालसे लालसे माने इच्छारे बा लोभरे मोहमाछी कौन करे मधु संग्रह करे आमे माने जानिछे मधु संग्रह करे पे मोहमाछी केउठी जाए बहु दूर बन पर्वत बिलासे बुझा पड़छि बिलास माने भी आनंद रे बुझिपाल पाने मऊमाछी मैंने कौन कर आनंदर सहित कहीं को वन पर्वत उड़ी जाए कि कौन जाती मऊ संग्रह करने निम्ते बुझिपार बल थाओ कही निश्चय मौन थाई न करती जीवन न्यून ये कवि कौन कहते पाने ना जो मनीषर जो जीवजंतु जार भी हो जदि बल थाओ सी जी निज कर्म सी जी निजक समय नदब ताल जीवन बेकार अटे जो पर्यंत मनीष देहरे कौन से जीवजंतु बल अच्छे सीए ताको क्योंठ लगे उचित निज कर्म बुझिपाल पाने सुप्त सिंह मुखे नपसे आहार श्रमे पिपिलिका पुराए भंडार सुप्त
सुप्त माने कौन पिला माने सुप्त माने होउचे तुमरो सोही तिबा अवस्था रे जदी गोटे सिंह सोई के रहिबो ता पाखौ कोन खाद्य आसिबो नाही से जदि परिश्रम पड़िबो ताहाले जेकी खाद्य से खाई परिबो जो पर्यंत तुमे ने कि कोन परिश्रम पड़िन से पर्यंत तुमको खाइबा मिलिबनी जहाँ भी हो परिश्रम करे ही आमको से जिनसटा मिली थाए तो सोई अवस्था रे जदि सिंहटा रही थी ताप कौन खाद्य चलिक आसब कि ना तो आम कौन कही कविठार ना सिंह को परिश्रम करने को पड़ो जदि खाद्य मिलबार अच्छी बुझीपाल पाने देख श्रमे पिपिलिका पुराए भंडार पिपिलिका मान कौन पे पिपिलिका मान पिंपुड़ी पिंपुड़ी गोटे छोट जीव किंतु सीए बहुत कठिन परिश्रम करे कौथिपाई ना भविष्य को देखिकी से निज खाद्य भंडार को आगर ही भरी कर रखी थाए जदि किसी वर्षा है से बर्षार तो कौन सी जगह को जापरबनी तो से भाव से यही कथा भाविकी से निज भंडार को आगर ही कौन कर रखी थाए भरी कर खाद्य रखी थाए बुझिपाल पाने ये कवि कौन कौन कही मेली थिले पाटी सोई वृक्ष तले वृक्ष चित्त फल न पड़ केवले माने वृक्ष चित्त माने कौन पिला माने ना वृक्ष रे पाची थिबा अवस्था रे रहिथिबा फल मेली थिले पाटी सोई वृक्ष तले जदि कि जणे जेकि वृक्ष तले ठिया के पाटी को मेला करे ठिया जीव कौन वृक्ष रे पाचिला फल तो पाटी रे पड़ जीव कि नाई कौन पे नाई काईकि ना फल को पाइबा को हेले आमको परिश्रम करबा को पड़िबो गच्छ उपरे चढ़ी हो कि पत्थर मारी हो कि जहाँ भी करी कि आमे फल को तोड़ीबा को पड़िबो जदि परिश्रम न करी जाय कि खाली ठिया हे जीवा ताले फल कोन आम पाखो आसीबो कि ना गज सिंह व्याघ्र देहे अछि बड़ गज माने कौन पिला माने हाथी सिंह व्याघ्र व्याघ्र माने कौन पिला माने बाघ हाथी सिंह आ बाघ तमें जानी छो पिला माने एमानको भीतर केते बड़ रही थाए तांको बांधे नर प्रकाशे कौशल एमानको पाखरे एते बड़ रही कि मध्य मनीष से मानको निज कौशल बलरे तांको बांधिकी रखी थाए निजर बलरे तांको बांधिकी रखी थाए बुझी पाला पिला माने कौशल जनक ज्ञान अटे सिना जन्मी नपारे ज्ञान भाषा बिना जदि तुम पाखरे कौशल अच्छे जदि तुम पाखरे कौशल थाए कि ज्ञान नहीं माने तुम्हें जदि किसी जाणिन ताल से कौशल रही कि लाभ नहीं कौशल जनक ज्ञान अटे सिना जन्मी नपारे ज्ञान भाषा बिना तुम भाषा जदि तुम कि न शिखीच कौ ज्ञान भाषा भाषा जदि तुम न शिखीच ताहले कौशल रहिबार किछि भी माने न थाए बुझा पड़छे पिला माने भाषा जगु सिना दमी जीव गण दमी माने दमन करी दमी माने कौन दमन करी मानव कर विश्व राजपण अच्छा कही पार पिला माने एई सारा संसार रे कहा को श्रेष्ठ कहा जाय छी मनीष को कौन में श्रेष्ठ कहा जाय छी काही कि ना एडे तो अन्य जीव जंतु अछंती पशु पक्षी समस्त अछंती किंतु ए समस्त गठ मनीष ही काही कि श्रेष्ठ कहीं पाखे गोटे ज्ञान अच्छे जहाँकि भाषा भाषा ही आमर ज्ञान जहाँफल आम कौन करूँ यही सारा पृथ्वी से सब श्रेष्ठ बोली क्या कह मनीष को से ही गोटे ज्ञान जो बुझा पड़ा पे मैंने जदि तुम पाखे भाषा अच्छी ताल तुम्हें सारा संसार को भी जीति पार जा भाषा दुर्बल से निश्चय अधम अधम मान मूर्ख जा भाषा दुर्बल मान जार भाषा दुर्बल से भाषा कही शिखिनी बुझा पड़ी ताको कौन कह मूर्ख सहित तुलना करा जीव कहीं हेब अने प्रतिजोगी क्षम प्रतिजोगी तुम जान पे आम विश्व में विभिन्न प्रकार प्रतिजोगिता रोचे जदि कौन मनीष भाषा शिखिनी तो सी केमी कौ प्रतिजोगित कौन भाग नहीं पार कि ना जदि सी भाषा शिखिनी तेल समस्त अलग भावे बुझिपार पाने उच्चभाषी लोके नीच गणी उच्च समाज में हुंती अग्रणी एठार उच्चभाषी मान शिक्षित लोक बुझिपार पा मैंने शिक्षित लोक आगे जदि जड़े जा मूर्खटे ठिया हे ताल कौन कह लोक मैंने ये मूर्ख कही ताठू अलग है रे तो समस्ते कौन कहे नीचे मानते तल अवस्था को नहीं जब बुझिपाल पाने आजिका दुनिया में जदि आमको किसी आग को जीवार अच्छे तेल आमको बहुत जिनस शिखबार अच्छे आए आम किए शिखाए भाषा जदि आम ये जिनसा शिखने तेल आम कौन सी आगे जाइए ठियापरि कौन से क्षेत्र में भी नहीं
बुझा पड़ी पे सबको जब आमको मानवाक हम तेल आमको भाषा शिखा निहाती दरकार होता है बुझीपाल पे कौन कहते उच्चभाषी लोके नीच गणी उच्च समाज में हमें अग्रणी से मूर्ख लोक को ही तले पक शिक्षित लोक मैंने ऊपरक जाती कहीं से भाषा जानती भाषार ज्ञान तक उपलब्ध अच्छे तो बुझीपाल पे ये कवि कौन कौन वर्णना करें तो पाने देखा जेनर न बुझे मान अपमान नुह कि से हो पशुर सम्मान जे लोक मान कण सम्मान कण यही कथा किसी जाणी न थाए सी का सहित तुलना करा ताको पशु सहित माने पशु भाया जमी व्यवहार जमी मनीष कैना से कौन कर सहित सम्मान सहित माने पशु सहित तुलना कर बुझीपाल पाने जा भाषा दुर्बला काही तार ज्ञान काही तार राज दुआरे सम्मान जो लोकर भाषा रूपक ज्ञान न थाए कौन क्षेत्र में भी सम्मान मिल न थाए ना राजद्वार ना कौन क्षेत्र में सम्मान मिल न थाए उच्च हेबापी कर जेबे आस उच्च कर आगे निज मातृभाषा जदि तुमको उच्च पहुँचवार समस्त आगे रहीबार अच्छे तेल आमको प्रथम कौन करवाको निज मातृभाषा को माने निजर मातृभाषा को प्रथम उच्च रखा हम तार अर्थ कौन पे माने आम मातृभाषा को आम निजक उन्नति करवाको कहीं निज मातृभाषा बुझीपाल पे निज मातृभाषा को उन्नति कले जामें सबुठ आगे रहीपर नाही जेबे हृदय उच्च अभिलाष कर आम दरे पलंके विलास प्रतिवेशी चरण प्रहार प्रतिवेशी माने कौन पे पड़ोसी प्रतिवेशी चरण प्रहार कौन कहले देख जो लोकर मनरे किसी अभिलाष माने इच्छा कौन सी इच्छा न थाए अलसुआ कि घरे पड़ रही थाए सब कौन शुणा हुए पड़ोसी मानकर निंदा बुझीपाल पे एमती निंदा शुणा हुए जमीक कष्ट लगे कहीं जी मूर्ख होलस हो घर पड़ रहा किसी कम न करसली लोक मैंने कौन करती निंदा ही करती तो ये कवि कौन कहते ना जेबे हृदय उच्च अभिलाषा कर आम दर पलंके विलास प्रतिवेशी चरण प्रहार चिन्ह श्रेणी कै बक्ष बक्ष मान कौन कहले पे छाती बक्ष देशे हार जो लोक बिना परिश्रम करी घरे पड़ी रहे से लोक मानक पड़ोसी मैंने कौन करती पड़ोसी मैंने लोक बाहर समाज लोक मैंने कौन करती निंदा करती बुझीपाल पे उच्च पद पर डाकिले राजन केते जन अच्छ तही कि भाजन प्रतिवेशी सहित तुलना तही बुझे निजे केड़े दिन दिन मान कौन कहीपर पे दरिद्र बुझिपार पाने कौन कहु उच्च पद पर डाकिले राजन केते जन अच्छ तही कि भाजन ये कवि कौन दर्शाई ना एबे जदि आम राज्य को अन्य राज्य सहित तुलना करवा जापर अन्य राज्य मैंने केते अग्रति कर सारी ताही ही आम जानवाक पड़ो जो आम केते तले अच्छु तो कवि ये वर्णना करी अच्छ पुणी मातृभाषाहीन कौन कहले कहले पे कवि कौन कहले एबे जदि आम तुलना करवा आम राज्य को अन्य राज्य मान सहित तो आम जापर जो आम राज्य केते पचर अच्छे अन्य राज्य केते अग्रति कर सारी तापर मध्य सब जा सारापर आम निज मातृभाषा को कौन करुचे हीन करुचे माने घृणा करुचे एक कथा कवि ये कही मातृभाषा पोथी छुईवा को कै अन्य जाति लज्जाबोध कै जो लोक मैंने काम करने बाहर को चली जाइंट ना से मैंने कौन कर जानते पे निज मातृभाषा माने आम मातृभाषा कौन ओडिया जदि आम मातृभाषा ओडिया तो लोक मैंने कौन करा कहवापी लज्जा करुँचा बही धरवापी लज्जा करुँचे कौन कर आजिका दुनिया में इंग्लीश ये सब भाषा व्यवहार करु कहीं ओडिया को व्यवहार करा कहीं से निज मातृभाषा को धरवापी लाज करुँ एक कवि ये कही उठ भाई उठ नवीन आलोके सोईथिले चाहि हसुथिबे लोके कौन कहले पे एबे ही समय अच्छी आम को निजको सुधारिबापाई जदि समय आम हाथ रु चली जाए पछ को बुलेले भी किछि आम हाथ में नथिबो सही समय रे कौन करिवे अन्य लोक मैंने हसुथिबे लोक मैंने पड़ोसी लोक मैंने आम को कौन करिवे
आमको सबु निंदा करिवे एही कथा कवि एठारे वर्णना करछन्ती एबे ही समय अछि जहाँ फल आम आम निज को सुधारी नेबा उचित। शुभ कर्मपते हुए अग्रसर चक्षु मिलिबाकु नाही अवसर अवसर माने सठिक समय बुझा पड़ुछि शुभ कामरे एबे ही समय अछि आमको को क्षेत्र रे शुभर कर्म क्षेत्र रे आमको आगे जिबाकु होबो किंतु जदि एही समय को आमे सठिक भाव रे व्यवहार न करिबा ताहाले आमको आखि पलक पकेयाको भी समय नथिबो एठारे कवि ताहा वर्णना करिछन्ती। मातृभूमि मातृभाषा रे बदन दीप्त कर दे ध्यान ध्यान मन कौन कहिले कवि एठारे कौन कहिछन्ती ना आम मातृभाषा को उन्नति करिया पई हां आम मातृभाषा को उन्नति करिया पई आमे कौन करिवाको हबो मन ध्यान दे कि लागी पड़ीबाको हबो आम मातृभाषा को आमे केमिति उन्नति करिबा। शुभ पथे विभु करिबे मंगल शुभ कर्मे हेब जीवन सफल कवि ताहा ही एठारे वर्णना करिछन्ती जदि आमे भल उद्देश्य रे भल रास्ता रे जदि आमे जिबा ताहाले आमर कोन हबो आम राज्य आम मातृभाषा सबु किछि उन्नति हे पारिबो आउ सेथि पई मंगल कामना करिछन्ती। बुझी पाला पिला माने कवि एठारे कोन कोन वर्णना कले कोन पई ना कहिछन्ती जे जो मातृभाषा को आमे धरिया पई लज्जाबद्ध करूछु ताहाकु लज्जाबद्ध न कले ही आमर मंगल काहेकि ना से मातृभाषा ही आमको उच्च पदवी रे बसेबो आउ से कथा को सचेतन करिया पई कवि आमको ए कविता माध्यम रे जणिछन्ती। तो पिला माने आम एल आर एन आर आप टी रे ए विषय रो क्वेश्चन आंसर तीनोटी सेट हिसाब रे उपलब्ध अछि तो तुम्हें माने ए आप टी को प्ले स्टोर रु डाउनलोड कर एवं एथिरे थिबा ए विषय समस्त क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करो तापर मते जदि तुमको किसी डाउट अछि ताहले मते कमेंट सेक्शन रे जणा मु नेक्स्ट वीडियो रे तुम्हारा समस्त डाउट को क्लियर करिवे। धन्यवाद।